हे माता रानी, अरे बाप रे, रानी यहाँ आओ। क्या हुआ फास्ट? अरे आओ हमारे साथ। क्या हुआ? अपनी आंख से देख ले। करना का है ये बता दो। अर्जुन और मिश्री के रिश्ते की नींव है भरोसा। हमें उस नींव को हिलाना है। इमारत अपने आप ढह जाएगी। लेकिन ये तुम दोनों के बस की बात नहीं है। और अनु, तुझे थोड़े दिन अपने आप को शांत रखना होगा। जी नानी। क्योंकि ये शुभ काम सही समय पर हम खुद करेंगे। जो आ गया अम्मा। हे भगवान, पूर्णी तो पूरी तरह से पागल हो गई है। अर्जुन और मिश्री का रिश्ता तोड़ने पे उतारू है। नहीं मौसी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद अनु के साथ जो हुआ ना, उसकी वजह से वो गुस्से में है। एक बार उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तो उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कि हमारी मिश्री कितनी अच्छी है। देखिएगा। नहीं नहीं बहू रानी, ये गुस्से का कोहरा ना बहुत घना होता है। हमको डर है कि कहीं अर्जुन और मिश्री की खुशियां घने कोहरे में खो ना जाए। नहीं मौसी जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। खुशियां मेरे बच्चों का हक है और हम उन्हें उनका हक जरूर दिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मिश्री को नहीं छोड़ूंगी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मत कर गुस्सा, कुछ भी मत कर। अम्मा ने मना किया है ना? अरे इतने बड़े कांड के बाद हम लोग अभी भी घर में हैं, बहुत बड़ी बात है। चुपी बैठो बस। नहीं तो घर के बाहर नजर आओगी बुढ़िया बिस्तर बांध के, समझी? एकदम चुपी रहो। मैं चुप नहीं बैठूंगी, एक प्लान बना के उससे बदला लूंगी। तू तो स्कूल के प्रोजेक्ट तक हमारी हेल्प के बिना बना नहीं सकती थी, प्लान कहाँ से बनाएगी? ये ले, बादाम खा ले। दिमाग के घोड़े थोड़े तेज दौड़ेंगे तभी तो आइडिया आएगा। ओ मिश्री, जितना ऊंचा उड़ेगी ना उतनी जोर से नीचे गिरेगी, ठीक है ना? हमरी एक बात को कान खोल के समझ ले। घर हमरा है, हमरा, और इस जायदाद में से तुमको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है ना? जायदाद तो हम मांग भी नहीं रहे बुआ जी। तो क्या मांगने आई है? अर्जुन, जो ऑलरेडी हमारा है वो हम किसी और से क्यों मांगने आएंगे? अर्जुन तेरा नहीं है मिश्री। पर ये रूम तो तेरा है ना? मोहन भैया, दिनेश काका, ये सब आज छुट्टी पर है और अर्जुन हमें और काम करने देंगे नहीं। तेरा रूम तो तुझे ही साफ करना होगा। पता है ना पोछा कहाँ रखा होता है? नहीं छोड़ूंगी। मैं कोई काम नहीं करूंगी। चलिए आजकल के लड़के पड़े रहेंगे मगर ये नहीं कि हेल्प करते। आजकल की लड़कियां अड़ी रहेंगी लेकिन ये नहीं कि हेल्प मांगेंगी।
गद्दा निकालने में हेल्प करो हमारी। हेलो, एहसान करी हो या हेल्प मांग रही हो? प्लीज बोलो तभी उठूंगा। क्यों, पर्सनैलिटी की अकड़न कमर में आ गई है क्या, जो प्लीज के सहारे के बिना उठ नहीं सकते? अब तो प्लीज बोलोगी ना तब भी नहीं उठूंगा। तो हम क्या फर्श पे सोएंगे? तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, इतना बड़ा बेड नजर नहीं आ रहा, आके सो जाओ। तो आप कहाँ सोओगे? नीचे पार्क में। देखो मैं तुम्हारे लिए कोई कुर्बानी नहीं देने वाला, मैं तो बिस्तर पे सो ही रहा हूँ, तुम भी आके सो जाओ। हाय मम्मी, आप चाहते हो कि हम आपके साथ सोए? थोड़ा और जोर से बोल दो ना, दादी ने सुना नहीं। तुम हर बात को गलत तरीके से क्यों लेती हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बिस्तर के इस साइड पे आकर सो जाओ, अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो बीच में पिलोज लगा देना। नहीं अर्जुन, ऐसे अच्छा नहीं लगता। किसे अच्छा नहीं लगता मिश्री, यहाँ सिर्फ तुम और मैं। अब मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज गुड नाइट। गद्दा तो हमसे निकल नहीं रहा, चद्दर पे ही सोना पड़ेगा। हटो हटो, सूरज निकले या ना निकले, ये गद्दा रोज निकलता है। सारी ताकत ताने मारने में लगा दी है, जरा जोर से खींचो ना। क्यों, ये भी नहीं उठा सकते, इसमें भी हेल्प चाहिए। क्या मतलब ऐसे बॉडी बॉडी बनाने का, कैंसिल कर दो जिनकी मेंबरशिप। रस्मों को तोड़े।